इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम बात करेंगे सरगुजा रियासत की। सरगुजा छत्तीसगढ़ की रियासतों में सबसे महत्वपूर्ण रियासतों में से एक थी। तो सरगुजा का इतिहास समझने के लिए हमें उसका जियोग्राफिकल लोकेशन और उसका प्राचीन इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। अब सरगुजा जो है, जिसकी राजधानी अंबिकापुर हुआ करती थी, ये उत्तर छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। ये बॉर्डर उसके नॉर्थ में है झारखंड, जो छोटा नागपुर प्लेटो है वो, और उसके वेस्ट में आता है जो बाघेल खंड का इलाका है, जो रीवा रियासत हुआ करती थी उस समय, तो वो क्षेत्र आता है। और सरगुजा अगर आप गूगल मैप पे भी देखो तो एक वैली की तरह है, और जिसके चारों तरफ वो पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ है। तो वो एक, जैसे हम बोलते हैं ना, पानी का बोल, तो एक बोल शेप में होने के कारण एक स्ट्रेटेजिक, एक नेचुरली प्रोटेक्टेड एरिया ये हुआ करता था। अब अगर हम सरगुजा के प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत में एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, जो बंगाल से, जो बंगाल का जो जंगल महल एरिया है, वहाँ से शुरू होकर लिटरली तमिलनाडु के बॉर्डर तक दक्षिण में, और वेस्ट में जो औरंगाबाद है आज का, वहाँ तक फैला हुआ था। और उसे दंडकारण्य फॉरेस्ट कहा जाता था। यहाँ पर ज़्यादातर ट्राइब्स, गोंड ट्राइब रहा करती थी और अलग अलग ट्राइब्स रहा करते थे। और हमारा जो हिंदू धर्म का जो एपिक है रामायण, उसमें हमें ये रेफरेंस मिलता है कि भगवान श्री राम और सीता जी और लक्ष्मण जी जो है, जब वो वनवास में गए तो इसी दंडकारण्य फॉरेस्ट में उन्होंने वनवास किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सरगुजा है, उसके पास में गुफाएं हैं, जो मैनमेड गुफाएं हैं, और मान्यता के अनुसार, अभी अनफॉर्चुनेटली हमें इसका आर्कियोलॉजिकल या एपिग्राफिकल एविडेंस नहीं मिलता है, पर मान्यता के अनुसार जो भगवान श्री राम है और जो सीता मैया है और लक्ष्मण है, वो इसी यही पर रहे थे, ऐसे लोग मानते हैं। और उसे जोगीमारा केव्स और सीतावंगा केव्स ऐसे कहा जाता है इन गुफाओं को। हम ये नहीं जानते हैं कि इन गुफाओं को किसने बनाया था, बट इंटरेस्टिंगली ये जो जोगीमारा केव्स हैं, उनमें हमें काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। तो अंदाज़ा ये लगाया जनरली जाता है कि ये शायद मौर्य काल के वक्त ये जो केव्स हैं और उनमें जो लेक हैं और वहाँ पे पेंटिंग्स हैं, वो बनाए गए होंगे। अब अगर आप भारत का जो ट्रेड रूट देखें, तो उत्तर से जो दक्षिण वाला जो ट्रेड रूट था, वो ऑब्वियसली चंदेरी और वहाँ से गुजरता था दक्षिणापथ, बट और एक रूट था जो बंगाल और जो गैंजेटिक प्लेन से अलाहाबाद और बनारस से होकर सेंट्रल इंडिया विदिशा में निकलता था। पर ये जो ट्रेड रूट था वो अलाहाबाद, चुनार और मिर्ज़ापुर इस क्षेत्र से फिर आगे जो बुंदेलखंड है, जो बांधवगढ़ का किला है, तो बांधवगढ़ का किला होते हुए फिर दक्षिण में विदिशा की तरफ आता था। तो जो सरगुजा जो है, वो हाईवे से, हम बोलते हैं ना, हाईवे से सटकर नहीं, हाईवे से बिल्कुल अंदर, बहुत दूर होने के कारण ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पावर्स थी और जो इकोनॉमिक ट्रेड रूट थे, उनको इस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज ये बहुत घने जंगल हुआ करते थे और हार्डली यहाँ पे आने के लिए रास्ते भी नहीं हुआ करते थे। तो इसलिए सरगुजा में हमें ये रेफरेंस नहीं मिलता है कि जैसे बाकी जगहों पर, कि जो दिल्ली सल्तनत है या मुगलों के या आक्रमणकर्ताओं के हमले हुए, वैसा हमें रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं। हमें ज़्यादातर, ऑलमोस्ट 17वीं शताब्दी तक यही रेफरेंस मिलते हैं कि जो सरगुजा है, वहाँ पर अलग अलग जो ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे, कबीले और ट्राइब्स और उनके सरदार,
तो उन्हीं का ही राज हुआ करता था। यहाँ पे गोंड ट्राइब है, चीरो ट्राइब है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो पांड्रो और कोरवा ट्राइब्स भी हैं, जो आई मीन अगेन मान्यता के अनुसार वो बिलीव करते हैं कि पांड्रो ट्राइब है वो पांडवों के वंशज है और कोरवा ट्राइब है वो कौरवों के वंशज है। तो आई मीन ये सारी विश्वास की बातें हैं। जो सरगुजा राज परिवार का इतिहास ऑफिशियली शुरू होता है वो 17वीं शताब्दी में 1613 में हमें ये रेफरेंस मिलता है कि ये जो राज परिवार था, ये रक्सेल रॉयल फैमिली, ये एक्चुअली पालमू पे राज किया करते थे। पालमू है वो झारखंड में है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक, छोटा नागपुर प्लेटू में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया है। और अगर आप पालमू में जाओ तो आपको एक टू स्पेक्टेकुलर फोर्ट्स दिखाई देंगे जिन्हें चीरो फोर्ट्स कहा जाता है। तो उस समय क्या हुआ कि जो रक्सेल राजाओं का राज था पालमू में, तो वहाँ उस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ। जो चीरो राजा थे रोहतासगढ़, अभी बिहार में, दक्षिण बिहार में एक जगह है रोहतासगढ़ करके, जो एक बिहार के जो पूरे गैंजेटिक प्लेन के सबसे महत्वपूर्ण किलों में एक माना जाता था। तो वहाँ के जो चीरो राजा थे उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज लेकर पालमू पर हमला किया और फिर वहाँ पर अपना राज स्थापन किया। तो आज भी अगर आप जाओ पालमू में, पहले तो ये बहुत नक्सल प्रभावी एरिया था पर अभी आप जा सकते हो, तो यहाँ पर आपको दो स्पेक्टेकुलर फोर्ट्स दिखाई देंगे। तो ये चीरो राजा ने ही बनाए थे रक्सेल राजाओं को भगाने के बाद। तो जो रक्सेल राजा हैं वो दक्षिण में आ गए और ये जो सरगुजा का एरिया है वहाँ पर उन्होंने अपना राज्य स्थापन किया। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि ज़्यादातर आक्रमणकर्ता मुगल हो, दिल्ली सल्तनत हो, खिलजी तुगलक हो, उनको इस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो रक्सेल राजाओं को ज़्यादातर आक्रमणों का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें सिर्फ देवर रूलिंग अ जंगल किंगडम, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज बाहरी लोग यहाँ पर ज़्यादा तौर पर नहीं आए, तो हमें इतिहास के साधन नहीं मिलते हैं कि उस टाइम कौन राजा थे, क्या हुआ, क्या इंसिडेंट्स हुए। अभी जैसे हमने आपको इंसिडेंट्स बताए बालनगीर के बारे में या बस्तर के बारे में, क्योंकि जो राइटर्स ट्रैवलर्स यहाँ पर आए उन्होंने लिखा, तो हमें पता है बोलनगीर का इतिहास, संबलपुर का इतिहास, बस्तर का इतिहास। अनफॉर्चुनेटली हमें जो अर्ली हिस्ट्री है सरगुजा का उसके बारे में बहुत कम पता है, और प्लस इतिहास में इतना काम भी नहीं हुआ है। पर हमें ये पता है कि उस टाइम सरगुजा एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करता था। आज का जो जशपुर है, जांजगीर चंपा और उदयपुर, जो यहाँ का छत्तीसगढ़ का उदयपुर, कोरिया करके और एक इलाका है, तो ये सारी जो मोस्ट ऑफ जो नॉर्थ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है ये सारा सरगुजा रियासत के अंडर आता था। अब एक इतिहास का एक खेल देखिए कि हमें ज़्यादातर सरगुजा के बारे में पता चलता है जब यहाँ पर आक्रमण होना शुरू करते हैं, और यहाँ पर आक्रमण 1750s में शुरू हुए मराठों के, जो नागपुरकर भोसले हैं, जैसे मैंने आपको बस्तर के और जो ओडिशा स्टेट्स के एपिसोड में बताया कि जैसे सिंधियाज और होलकर्स राजस्थान और मध्य प्रदेश की रियासतों पर हमले कर रहे थे, तो मध्ययुगीन काल में 18वीं शताब्दी में ये जो सारी जो रियासतें थी सेंट्रल इंडिया की और उड़ीसा की, उस पर नागपुर और भोसले राजाओं ने बहुत बड़ा हमला किया। बट बिकॉज सरगुजा एक इतना जंगल वाला एरिया था तो मराठों को ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं था, आप लगान दो और हम आपको अकेला छोड़ देंगे। पर अगेन 18वीं शताब्दी में एक और एक इंटरेस्टिंग बात होती है। सरगुजा के उत्तर में बंगाल के नवाबों का प्रोविंस था, ये जो छोटा नागपुर प्लेटो है, जो पालमू जहाँ से ओरिजिनली उनका होमलैंड था और जिससे जो ये रक्सेल राजाओं को भगाया गया था, तो वो जो था वो फिर बंगाल, सूबाए बंगाल में आता था, और वहाँ पर प्लासे की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज आया, और जो चीरो राजा जिन्हें मैंने पहले आपको बताया था उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ख़त्म कर दिया, और ये पालमू और पूरे झारखंड पर अंग्रेज़ों का राज था। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बहुत एक्सप्लॉयटेटिव थी,
और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उड़ीसा का भी और झारखंड का भी, उन्होंने बहुत जैसे फॉरेस्ट के लॉज बनाए, ट्राइबलों पर जो ट्राइबल लोग हैं उन पर टैक्स डाले, बहुत अत्याचार किए। तो इसके कारण 1790s में पालमू और ये जो सरगुजा के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं जो उस टाइम ब्रिटिश टेरिटरी में आते थे, वहाँ पर एक बड़ा रिवोल्ट आया। और ऑब्वियसली बॉर्डर इलाका होने के कारण ये जो सरगुजा स्टेट है वो भी अफेक्टेड हुआ। और तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरेस्ट आया, बिकॉज उन्हें लगा कि ये लोग अंग्रेज़ों पे हमला करके सरगुजा स्टेट में जाकर छिप रहे हैं, तो कुछ करना पड़ेगा। तो उस टाइम जो ब्रिटिश हैं उनको सरगुजा रियासत में उनका इंटरेस्ट बढ़ा, पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, बिकॉज सरगुजा वॉज अंडर वो वॉज अ ट्रिब्यूटरी अंडर द नागपुरकर भोसले। फिर 1818 में जो नागपुर के जो राजा है अप्पा साहेब, उनका और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का की लड़ाई हुई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। तो उस समय फिर जो नागपुरकर भोसले हैं उन्होंने ये जो सरगुजा रियासत, जशपुर और ये जो बाकी की जो सारी रियासत है 1818 में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी। और 1818 में ही जो सरगुजा रियासत है उसका बंटवारा हुआ और जो राजा के छोटे भाई थे उन्हें एक रियासत दी गई जिसे उदयपुर रियासत कहा जाता था। और उसके बाद पास में एक और एक रियासत थी वो फाइनली जिसका नाम था कोरिया। तो ये जो सारी रियासतें थी सरगुजा, जशपुर, उदयपुर और कोरिया, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर बाद में जब नागपुर ख़त्म हो गया तो सेंट्रल इंडियन प्रोविंसेस के अंडर आ गए। अनफॉर्चुनेटली जो सरगुजा जो है उसका ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। तो हमें जो 20th सेंचुरी है 20वीं शताब्दी में, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक लीड बैक रियासत, जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन था वो यहाँ पर अपने अपने जैसे हज़ारों साल से रह रहे थे ये ट्राइब्स, वैसे ही रहते थे। अंबिकापुर का विकास ज़रूर हुआ, यहाँ पे रघुनाथ महल जो है राजाओं का, बिकॉज़ ये राजधानी थी तो ऑब्वियसली यहाँ पे पोस्ट ऑफिस और अस्पताल और स्कूल ये सब यहाँ पर राजाओं ने खोले। पर जैसे बाकी जो वेस्टर्न इंडिया की रियासतें हो या उड़ीसा की रियासतें हो, जितना विकास हुआ ये सरगुजा में और इन इन रियासतों में, अभी ऑब्वियसली एरिया भी बहुत रिमोट था, इनकम भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो विकास ज़्यादा नहीं हो पाया। जो सरगुजा रियासत के जो आखिरी महाराजा थे वो थे महाराजा रामानुज शरण सिंह देव, और उनका एक उन्होंने अराउंड 1917 से 1947 तक यहाँ पे राज किया। पर उनका एक बहुत ही ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है वाइल्ड लाइफ को लेकर, और अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रेमी हो तो प्लीज़ आप अपने कानों पर हाथ रख दीजिए, क्योंकि महाराजा रामानुज शरण सिंह देव ने का रिकॉर्ड है कि भारत में अगर टाइगर्स का सबसे ज़्यादा शिकार किसी ने किया तो वो उन्होंने किया। उन माना जाता है कि कुछ अकाउंट्स बताते हैं कि उन्होंने 1100 टाइगर्स का शिकार किया और कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि उन्होंने 1700 टाइगर्स का शिकार किया। ये भी नहीं, और एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात यह है कि जो एशियाटिक चीता है जो एक समय भारत में काफ़ी तौर पर पाया जाता था तो वो अनफॉर्चुनेटली एक्सटिंक्ट हुआ। और कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि जो सरगुजा के महाराजा थे उन्होंने भारत के लास्ट 3 एशियाटिक चीतास का शिकार किया और उनको एक्सटिंक्ट कर दिया, उस पूरी जाति को ख़त्म कर दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि कोरिया के महाराजा थे उन्होंने ये आखिरी एशियाटिक चीतों की हत्या शिकार की या हत्या की, आप जो भी कहे। बट ज़्यादातर जो किताबें हैं वो यही कहती हैं कि इट सरगुजा के महाराजा ही थे जिन्होंने इस प्रजाति को भारत में शिकार करके ख़त्म किया। और 1947 में ये जो सारी रियासतें थी सरगुजा, जशपुर और राजनंदगांव और
बस्तर, ये सारी रियासतें जो है वो सेंट्रल प्रोविंसेस में विलीन हो गई। बाद में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बाद ये मध्य प्रदेश का हिस्सा बनी, फिर अगेन छत्तीसगढ़ बनने के बाद आज ये छत्तीसगढ़ में है। जो सरगुजा का राज परिवार है वो पॉलिटिक्स में है और अलग अलग अहदों पे है, आज भी काफ़ी एक्टिव है। तो ये थी कहानी छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत की।